एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, फिफ्टी फिफ्टी बराबर है, एवरीथिंग ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, नो चीटिंग, नो चीटिंग। भाई एकदम सुबह सुबह उठ के बना रहा हूँ तो आवाज ऐसी है, ठीक है? ठीक है। हाँ तो कैसे हो, कल रात को अच्छी नींद आई 3-0 से जीतने के बाद? हाँ हाँ। तो आज हम थोड़े बहुत मीम रिव्यू करेंगे जो इंडिया न्यूजीलैंड के मैच पे बने थे। कल के मैच में टॉस उड़ा और रोहित भैया वापस जीत गए टॉस। अब रोहित भैया के मन में यही चल रहा होगा, भाई देखो तुम मानो ना मानो लेकिन दीपक चाहर ने जो सिक्स मारा था ना, मतलब रोहित भैया भी सैल्यूट मार दिए थे। रोडीज सैल्यूट भाई, रोडीज सैल्यूट। विराट भैया वहाँ हॉलीडे पे और यहाँ रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहे हैं, मैच भी जीत रहे, टॉस भी जीत रहे हैं। तब ये सारे सीन देख के विराट भैया का यही रिएक्शन होगा, अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। अपने विलियमसन भैया जो इस T20 मैच सीरीज में नहीं खेल रहे थे तो उन्होंने टीम सऊदी को कैप्टेंसी दे रखी थी, और उस कैप्टेंसी के परफॉर्मेंस को देख के केन भैया टीम सऊदी को यही बोल रहे हैं, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। विलियमसन भैया जो इस सीरीज में नहीं खेल रहे थे और उन्होंने जब उनके टीममेट्स के परफॉर्मेंस देखे होंगे तब उस पे उनका यही रिएक्शन होगा, तुम लोगों को कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ा, देखो क्या हो गया, सब सत्यानाश हो गया। बॉलर्स बॉल शॉर्ट बॉल, रोहित शर्मा अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। न्यूजीलैंड वाले प्लान बना के आएंगे कि इंडिया के टॉप बैट्समैन और मिडल ऑर्डर को एकदम धुआंधार धूल चटा देंगे, जो कि उन्होंने ठीक ठाक कर ही लिया था, पर उनको और उनके प्लान को धूल इनटू 100 करने अपने दीपक चाहर भाई आ चुके थे। और जो उन्होंने 8 बॉल में 21 रन बनाए ना, बूम। और जब दीपक भैया उनकी लास्ट ओवर में कुटाई कर रहे थे उस पे सारे न्यूजीलैंड वाले यही बोल रहे थे, भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। रोहित शर्मा विनिंग बैक टू बैक टॉसेस, भाई कैसे कर रहा है? न्यूजीलैंड वाले इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराए थे, उसके बाद इंडिया ने इनको 3-0 से हरा दिया। और जब न्यूजीलैंड वाले 3-0 से हारने वाले थे कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम यही बोल रही थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। जब भी कोई भी बोलर रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल डालता है तो रोहित शर्मा का ये रिएक्शन होता है, मरना क्या भोगे, मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई टीम इंडिया 3-0 से जीत गई, बट भाई वर्ल्ड कप का दुख तो गया नहीं ना। इंडिया इन बायलैटरल सीरीज, इंडिया इन ICC इवेंट, दीपक चाहर टू मिलने दीपक चाहर टू मिलने इन लास्ट ओवर। विधायक JP सिंह को कूट दिए SP ऑफिस में, वो भी उसका बाप के सामने। दीपक चाहर एज सून एज मिलने कम्स टू बोल, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या आफ्टर वॉचिंग हर्षल पटेल एंड दीपक चाहर बैटिंग, करियर संकट में है। रोहित शर्मा लगातार 3 मैच के 3 टॉस जीत गए, वाजी वाह। तो उसे देख के विराट भैया भी रोहित शर्मा को यही पूछ रहे हैं कि करते कैसे हो ये सब। इंडिया टीम को बायलैटरल सीरीज पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि इंडिया टीम अब ये बोल रहे हैं ICC टूर्नामेंट से डर लगता है, बायलैटरल से नहीं। रोहित शर्मा वी नीड विकेट, अक्षर पटेल हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अभी बैटिंग में सेवार भाई, मुझे आप पे बहुत ही भरोसा है, चौके छक्का बिंदास मारना और उनका छक्का छुड़ा देना। यस कैप्टन, कैप्टन यस मैं कैप्टन, ठीक है तो बैटिंग हो गया, फील्डिंग हो गया और अपना बॉलिंग हो गया। विराट वॉचिंग रोहित कैप्टेंसी, भाई मतलब किसी की किस्मत कितनी खराब हो सकती है, विराट भाई RCB के लिए एक ट्रॉफी नहीं जीत पाए ना यहाँ टॉस जीत पाते हैं, और वहाँ रोहित शर्मा पहली बार कैप्टन बने, टॉस की टॉस जीता, मैच की मैच जीता, वो भी लगातार 3-3 साले कुत्तों की जिंदगी। जब भी अक्षर पटेल को लाया उसने टपा टप कर ही डाला था कल के मैच में। रोहित भैया 3 मैच के 3 टॉस जीत चुके तो उसके बाद से रोहित भैया यही बोल रहे हैं, ये साला टॉस जीतने की आदत हो गई है आप उनको। सिलेक्टर आफ्टर ईच विकेट टेकन बाय अक्षर पटेल, भाई मतलब अक्षर पटेल क्या, बहुत सारे प्लेयर है अपने इंडिया में जिन्हें सिलेक्टर चांस नहीं दे पाते नहीं या फिर देना नहीं। कल के मैच में अक्षर पटेल के परफॉर्मेंस को देख के DC वाले अक्षर पटेल को यही बोल रहे हैं, ये 11.7 करोड़ सीधा आपके बैंक अकाउंट में, चुपचाप निकल जा टीम से, मैन ऑफ द मैच में ही बनूंगा।
भाई ये मजाक के लिए था, मजाक में लेना ठीक है, दोनों में झगड़ा नहीं जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा में लग जाते हो तुम लोग, ये अच्छा कैप्टन है वो अच्छा क्या, अरे इंडिया के लिए खेल रहे हो। आज के मैच में जो अक्षर पटेल ने टपा टप लिया उसे देख के अक्षर पटेल भी यही बोल रहे हैं, जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे, कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके, वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके 5K करा दो यार जल्दी से। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माधर।